हेलो फ्रेंड्स, माय नेम नितीश एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आवर इन्फॉर्मेशन। सो फ्रेंड्स, यहां पे मैं आप सभी को रीजनिंग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाला हूं, जो आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने में दिख रहा होगा, अगर आप चाहें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं और इसका आंसर हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपको एग्ज़ाम में एक से दो आपको देखने के लिए मिल सकता है। क्वेश्चन देखिए क्या है, तो यहाँ पर देखिए ये जो कोड दिख रहा है और यहाँ पर जो कोड दिख रहा है, इन दोनों का रिलेशन सबसे पहले आपको फाइंड करना है और यही रिलेशन आपको यहाँ पर भी यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं क्या है, 1 है 2 है 3 है 4 है, और इसे यहाँ पर कोड किया गया है 4 1 3 2। अगर ये संख्या अगर आप देखते हैं ध्यान से एक बार गौर कीजिए, तो ये जो यहाँ पर लेटर दिख रहा है, जितना भी लेटर 1 2 3 4, यही लेटर को यूज़ करके ये भी लेटर बनाया गया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ना ही गुना हुआ है, ना ही यहाँ पर आपका स्क्वायर हुआ है, ना ही आपका प्लस हुआ है, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा माइंड आपको यूज़ करना है और आंसर आपके पास होगा। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये जो 4 है, लास्ट वाला 4 को सबसे पहले रखा गया है, फिर देखिए ये जो 1 है, 1 उसके बाद रखा गया है, 41 हो गया। फिर ये जो 23rd है, आपको जो 23rd यहाँ पर ये दिख रहा है, इसको चेंज कर दिया गया, यानी कि 3 और 2 कर दिया गया है, ठीक है। तो यही रिलेशन यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5 6 7 8। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया था कि जो सबसे लास्ट वाला डिजिट है इसे हम सबसे पहले रखेंगे, तो 8 हम यहाँ पर रख लेते हैं सबसे पहले में। उसके बाद देखिए 5 है, तो 5 इसके बाद हम रखेंगे, तो 8 5 हमारा हो गया। फिर हम क्या करेंगे कि ये जो 6 और 7 है इसे हम चेंज कर देते हैं, आपस में इसका जो प्लेस है हम चेंज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 7 और 6 हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए, 8 5 7 6। तो हम देख लेते हैं कहाँ पर ये हमें दिख रहा है, तो ऑप्शन सी में आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है, 8 5 7 6। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, और आशा करता हूँ आप सभी ने समझ लिया होगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होता है एग्ज़ाम में जिसे आपको ना ही इंटू करने की ज़रूरत है, ना ही स्क्वायर करने की ज़रूरत है, ना ही क्यू करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आप यहाँ पर लॉजिक लगाएंगे तो आपका आंसर आपके पास होगा। तो चलिए आप देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी टाइप का। तो यहाँ पर देख सकते हैं 7 का रिलेशन दिया हुआ है 53 से, और यहाँ पे आपको वार्ड दिया गया है और यहाँ पर 173 दिया गया है। सो आपको बताना है कि इस वार्ड की जगह पे क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये 7 से आखिर 53 बना कैसे, ये हम दिमाग लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसके आसपास में ले जाना है। इसके आसपास में ले जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो 7 को 8 से गुना कर देंगे, या तो हम कर सकते हैं क्या कि 7 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो इसमें 7 का स्क्वायर करना ही अच्छा रहेगा। सो 7 का अगर स्क्वायर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा, 49, ठीक है। और 49 में हम कितना प्लस करें, जो 53 हमारा हो जाएगा, तो 49 में अगर हम यहाँ पर 4 प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा, ठीक है। तो यही रिलेशन हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी देखेंगे कि 173 आखिर कैसे आएगा। तो हम अगर 18 का स्क्वायर करते हैं तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324। तो 324 ये है क्या, आप कहेंगे कि नहीं होगा। अब ऑप्शन बी देख लेते हैं, 13 है, तो 13 का स्क्वायर कितना होगा, 13 का स्क्वायर होता है 169। अब देखिए इसके आसपास में चल गया, अब इसमें अगर हम प्लस करते हैं 4 तो कितना हो जाएगा, 173। सो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब हम ये दोनों ऑप्शन भी चेक करके देख लेते हैं, तो अगर 14 का स्क्वायर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा, तो ये तो 173 से ज़्यादा हो गया, ये होगा नहीं होगा, ये जब नहीं होगा तो 22 तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सो आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सभी ने समझ लिया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नंबर सीरीज का एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, 9 1 है, फिर 2 7 3 है, 4 5 5 है, 6 3 7 है, यहाँ पे व्हाट है, 9 9 1 1 है, ठीक है। तो हमने आपको क्या बोला है इससे पहले वाला क्लास में कि आप जब भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्लस करके देखना है, माइनस करके देखना है, फिर आप गुणा करके देख लें, फिर आप स्क्वायर करके देख लें, क्यू करके देख लें। तो ये 4-5 टाइप है जो आपके माइंड में चलते रहना चाहिए जब आप नंबर सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो,
ठीक है। लेकिन एक और आपको बात ध्यान देना है कि इन सभी से हट के कुछ और भी थोड़ा सा आपको सोचना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम 91 को देखें, 91 और 273 को, तो यहाँ पर आप पाएंगे कि अगर इसमें हम 3 से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 273 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 91 को गुना करना है आपको 3 से, तो कितना हो जाएगा, 273 हो जाएगा। अब देखिए 455 है, अगर हमने यहाँ पर 3 से गुना किया है तो आगे तो हमें यहाँ पर 4 से गुना करना चाहिए, अगर 4 से गुना करेंगे तो ये तो 800 हो जाएगा। अगर इससे कम करते हैं तो कम भी तो यहाँ पे नहीं होगा, सो यहाँ पे क्या हो रहा है। तो एक आप यहाँ पर अगर सीरीज को देखेंगे ध्यान से तो आपको एक बात यहाँ पर ध्यान में आ रहा होगा, 91 और 455 को फिर से आप रिलेट कीजिए, तो 91 को अगर गुना करते हैं 5 से तो यहाँ पर 455 आपका यहाँ पर आ जाएगा। कैसे, तो देखिए 5 को 1 से गुना करते हैं 5 और 9 पचे की कितना होता है 45, तो 455 यहाँ पे हो गया। फिर देखिए अगर 91 को फिर से अगर आप 637 से अगर आप कंपेरिजन करें तो 91 को अगर हम यहाँ पर 7 से अगर गुना करते हैं तो 7 एकम 7, ठीक है, और 7 को 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 63, तो हो जाएगा कितना 637। तो अगला जो होगा वो क्या होगा आप खुद यहाँ पर बताएंगे कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, तो अगला क्या होगा, 9 होगा। तो 9 को 1 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 को अगर 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए, 819, यानी कि ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पर 7 हुआ तो ये तो एक अभाज्य संख्या है 3, 5, 7, तो अगला जो होना चाहिए 11 होना चाहिए। अगर 11 से गुना करते हैं तो देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर आपका आंसर आएगा ही नहीं, ठीक है। सो यही इसका राइट आंसर होगा, 819। तो आशा करते हैं आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन, ये इजी है, आप सभी लोग आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है 4 है, 7 है, 12 है और 21 है, फिर यहाँ पर व्हाट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने बोला है आपको प्लस करके देखने के लिए, तो चलिए हम यहाँ पे प्लस करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम प्लस करें तो प्लस यहाँ पर 3 हो रहा है, यहाँ पर प्लस आपका 5 हो रहा है, फिर यहाँ पे प्लस आपका कितना हो रहा है, 8 और 1 9 हो रहा है। अगर यहाँ पर अगर देखें तो प्लस आपका 2 हुआ, यहाँ पर प्लस आपका 4 हुआ, तो यहाँ पर प्लस आपका क्या होना चाहिए था, 8। बट अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए 4, 7, 12 और 21 में, ये करने से पहले, ये तो हम कर ही सकते हैं, लास्ट में अगर कुछ नहीं बचता है तो ये हम करके देख लेंगे, बट थोड़ा सा और आपको अगर जल्दी में क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो थोड़ा सा और भी कुछ सोचना पड़ेगा। अब देखिए अगर हम 4 को 2 से गुना करते हैं तो 4 को अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। 8 में से अगर माइनस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। फिर 7 को अगर हम गुना करते हैं 2 से तो कितना हो जाएगा, 14। 14 में अगर हम यहाँ पर माइनस 2 करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, 12। फिर देखिए 12 को अगर हम गुना करते हैं 2 से तो कितना हो जाएगा, 24। और 24 में यहाँ पर कितना माइनस करें जो 21 हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पर अगर 3 करते हैं तो 21 हो जाएगा। फिर देखिए 21 को अगर हम गुना करते हैं 2 से तो कितना हो जाएगा, 42। और 42 में अगर हम यहाँ पर 4 यहाँ पर माइनस करते हैं तो कितना होगा, 38। यानी कि आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी 38 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये लॉजिक यहाँ पर फिट बैठ रहा है क्या, तो 9 हमने यहाँ पे रखा था और यहाँ पे प्लस हमने क्या किया था, 8, तो 9 8 कितना होता है, 17। अब देखिए 17 और 21 कितना होगा, तो 7 और 1 8 2 और 1 3, तो इस तरह से भी आंसर आ सकता था। सो आप जैसे चाहें उस तरह से आंसर ला सकते हैं, बट जो आपको जल्दी वे में आंसर दे आप उसी को फॉलो करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, बॉक्स वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 20 है, 28 है, 36 है, फिर आपका 15 है, 25 है, 35 है, आपका 30 है, 42 है, और यहाँ पे व्हाट है, आपको यहाँ पे आंसर फाइंड करना है। अब थोड़ा सा आप सोचिए, वीडियो को थोड़ा सा रोकिए और सोचिए कि यहाँ पे क्या हो सकता है, उसके बाद यहाँ पर आंसर देखिए, क्योंकि मैं तो यहाँ पे आंसर आपको जल्दी से बता ही दूंगा। सो आप क्या करो कि सबसे पहले रोको, देखो, और अगर आंसर आ जाए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं इसका आंसर। अब अगर यहाँ पे आप दिमाग लगाएंगे, कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगा लेंगे कुछ लोग, यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसे प्लस करेंगे,
प्लस करने के बाद थोड़ा सा इसे हाफ करेंगे, फिर यहाँ पे हो सके तो यहाँ पे गुना करके देखेंगे, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर हम यहाँ पर ये वाला सिर्फ लिखें तो 20, 28 और 36, ठीक है। अगर हम क्या करें कि 20 और 36 को यहाँ पे अगर प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 56, ठीक है। और 56 को अगर डिवाइड करते हैं 2 से तो कितना हो जाएगा, 28। अब देखेंगे, देखते हैं कि यहाँ पर ये वाला सीरीज जो है काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 15, 25 और 35। हम क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 50। 50 को अगर डिवाइड करते हैं 2 से तो कितना हो जाएगा, 25। अब देखिए ये हमारा सीरीज यहाँ पे काम कर रहा है। तो आगे क्या होगा, तो 30 है, फिर 42 है और फिर यहाँ पे वाट है। अब देखिए इन दोनों को प्लस करके हमें क्या करना था, डिवाइड करना था 2 से। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये हमारा क्या है, 42 है, तो 42 को हम गुना करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 84। और 84 में हम क्या करेंगे, 30 हम माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 54। सो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिना कोई बकवास किए मैं यहाँ पे आप सभी को क्वेश्चन समझाता हूँ और आप सभी को समझ में भी आता होगा पूरा क्वेश्चन। सो इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो अपने फेसबुक पे ज़रूर शेयर किया कीजिए, और जो भी लोग कंजूसी करते हैं लाइक करने में, बिल्कुल गलत बात है। आप लोग भर भर के हमें लाइक दीजिए और मैं आपको अच्छा अच्छा क्वेश्चन ला करके दूंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर अगली बार ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रहेगा तो आप इसे स्किप नहीं करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, 15 है, 5 है, 7 है, यहाँ पर 82 है, फिर 11, 7, 6, फिर 83 है, फिर आपका 25, 2, 7 और यहाँ पे आपका वाट है, ठीक है। अब कुछ लोगों को यहाँ पे आंसर मिल भी गया होगा क्योंकि ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, देखते के साथ ही आप आंसर जो है इसका कर सकते हैं। अगर इसमें आप देखें तो 15 को अगर हम 5 से गुना करते हैं कितना हो जाएगा, 75। 75 में अगर हम 7 से प्लस करते हैं कितना हो जाएगा, 82। सीरीज आपको समझ में आ गया। फिर हम क्या करेंगे कि 11 को 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा, और 77 में हम अगर 6 प्लस करते हैं कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा। अब देखिए 25 को अगर हम 2 से गुना करते हैं कितना हो जाएगा, 50। 50 में अगर हम 7 प्लस करते हैं कितना हो जाएगा, 57। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 57। आशा करता हूं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फटाक से इस वीडियो को अपने फेसबुक पर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको एक कमेंट करना है लास्ट में जाते जाते, हच समझ में आ गया सर, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो कैसा लगा ये भी आप हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू, ऑल ऑफ़ यू।